हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग एसपी के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉर्पोरेट को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो दो टाइप की रिक्वायरमेंट होती है. एक होता है ए फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है बी, मतलब जिसको हम बी बोल रहे हैं, लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल. तो ये दो टाइप का कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर्ड है और ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरी होता है और चाहिए होता है. आज हम डिस्कस करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पर. किस पर डिस्कस करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है उसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं. फिक्स्ड कैपिटल मींस एकदम सिंपल, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिससे हम कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करने वाले हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने वाले हैं, और जिस कैपिटल को हम लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. जो कैपिटल हम मोर देन वन ईयर के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. मोस्टली फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो हम कंपनी की एसेट्स को परचेज करने के लिए, कंपनी के लिए मशीनरीज परचेज करने के लिए, कार्स या मोटर व्हीकल्स वगैरह परचेज करने के लिए, ट्रक्स परचेज करने के लिए, अगर चाहे हमारे बिजनेस में ये चीजों की जरूरत है तो हम उसके लिए जब ये सारी चीजें परचेज करते हैं, सो उस कैपिटल जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जिसे हमने इसको परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट? कि जो कैपिटल, जो अमाउंट ऑफ मनी या फंड हम इन्वेस्ट करते हैं, वो जिसका बेनिफिट हमें क्या होता है, लेस देन वन ईयर के लिए होता है, जिसका बेनिफिट, जिसे हम कोई एसेट परचेज नहीं करते हैं, जिसको हम रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूस बेसिस पर उस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं एंड वो रिकरिंग होते रहता है, रिकरिंग होते रहता है, बार बार होते रहता है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के पीछे कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या फिर कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने फिक्स्ड कैपिटल को क्या करना है, डिसाइड करना है, या जब हम फिक्स्ड कैपिटल की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने कौन सी बातों पर ध्यान देते हुए उसकी प्लानिंग को करना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस. क्या पॉइंट है हमारा? नेचर ऑफ बिजनेस. अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की, कि सबसे पहले हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे या जब फिक्स कैपिटल की प्लानिंग करेंगे, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, अमाउंट की जब हम प्लानिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कौन से नेचर का है, बिजनेस किस टाइप का है. वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या फर्क होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनीज या ट्रेडिंग बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको मशीनरीज परचेज करनी पड़ेगी, प्लस लैंड आपको परचेज करना पड़ेगा या आपको रेंटल बेसिस पर लेना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रेड बिजनेस. तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमें जो कैपिटल, हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जो कैपिटल की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कैपिटल का प्लानिंग कौन से टाइप के बिजनेस के लिए कर रहे हैं. वो बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर वो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है. नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द बिजनेस. अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और या ट्रेडिंग बिजनेस, दोनों के बारे में अगर आप बात करें, साइज ऑफ द बिजनेस, अब आप डिसाइड ये करना है कि हमारे जो बिजनेस है, हमारा जो
बिजनेस है उस बिजनेस का साइज क्या होगा। अब ज्यादा बड़ा बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट आपका बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस। या स्मॉल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते तो वहां पे आपको कैपिटल क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब जब आप कैपिटल रिक्वायरमेंट का जब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो सबसे पहले आप ध्यान में रखोगे कि आपका बिजनेस कौन से टाइप का है। जब आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है जाहिर सी बात है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और अगर आपका साइज बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी फिर ज्यादा होगा, और अगर आपके बिजनेस का साइज अगर कम है तो आपका बिजनेस का जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The next is scope of the business. Business का स्कोप क्या है? बिजनेस का स्कोप जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अगर आप बिजनेस को बारे में या बिजनेस की सर्विस के बारे में अगर सोचेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट जो होगी कैपिटल की वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। मतलब आप बिजनेस अगर बड़ा करते हो तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा अगर स्कोप आपका ज्यादा है तो। The next is extend of lease or rent. Lease or rent. अब यहाँ पे लीज का मतलब क्या होता है, एक तरीका के कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी बंदा जिस कोई भी जमीन है उस जमीन को आप क्या करते हो 10 साल 15 साल के लिए आप क्या करते हो लीज पर ले लेते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो उसको रेंट पर ले लेते हो। लीज मतलब एज लाइक सेम होता है किसके जैसा, रेंट के जैसा। मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करोगे, आप फिक्स एसेट को लैंड को आप परचेज नहीं करोगे, परचेज करने की बजाय आप उसको क्या करोगे रेंटल बेसिस पर ले लोगे। तो शायद रेंटल बेसिस पर लेने से आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें भी क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। अगर आप डायरेक्टली कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हो या कोई चीज कोई एसेट परचेज करना चाहते हो तो उसकी जो कॉस्ट है उसकी जो कीमत है वो कई लाखों करोड़ों रुपए में होती है, लेकिन अपने पास उतना कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, लीज पर ले सकते लीज पर और रेंट पर लेने से कैपिटल रिक्वायरमेंट के में अंदर में क्या आता है, आपका फर्क आता है कि अगर आप खरीद सकते हैं उतना कैपिटल अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है तो हम वहां पे खुद का परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहां पे इसको लीज पर या फिर रेंट बेसिस पर भी ले सकते हैं। जैसे कि जमीन चाहिए लैंड चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के लिए। अब मेरे पास लैंड चाहिए, जैसे कि मैं छोटी सी दुकान चालू करना चाहता हूं, अब छोटी सी दुकान चालू करना चाहता हूँ, मेरे पास कैपिटल जो है बहुत शॉर्टेज में बहुत ही कम है, तो अब मैं दुकान अगर चालू करना चाहता हूँ तो वो दुकान अगर मैं परचेज करने जाऊंगा तो वो दुकान मेरे को लाख रुपए या करोड़ों रुपए की आने वाली है, करोड़ रुपए में आने वाली है, और अगर मैं उसी दुकान के अंदर मैं रेंटल बेसिस पर अगर चला जाऊं तो मुझे महीने का कुछ रेंट देना पड़ेगा तो मुझे वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हो सके पॉसिबल तो रेंट बेसिस पे लेंगे, अगर रेंट बेसिस पे लेंगे तो शायद थोड़ा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट? सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हमारा एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वहां पे हम क्या करते हैं, हमने क्या किए जो प्रोसेस होते हैं, जो काम होते हैं, जो वर्क होते हैं, तो उसके पहले वाले जो प्रोसेस है हमने क्या किए हैं, दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे रखे हैं। देखो भाई तुम्हारा काम ये है, इतना काम कंप्लीट करके तुम हमको दे दो, तो वो हमें क्या करेंगे कंप्लीट करके दे देंगे, तो वो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे क्या सब कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम कर सकती है, क्योंकि हमारे को उन मशीनरीज को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आगे का जो फिनिशिंग का या कुछ काम होगा वो काम क्या करेंगे हम करेंगे। जैसे कि कोई भी एक कमोडिटी, कोई भी एक प्रोडक्ट, कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, सबसे पहले उसके अंदर में कुछ बदलाव लाए जाते हैं, कुछ चेंजेस लाए जाते हैं, थोड़ा सा एक प्रोसेस होने के बाद में वो कम्प्लीटली यूज के लिए चीज बनती नहीं है, फिर उसके बाद में उसके दूसरा प्रोसेस होता है, फिर जाके वो फिर भी यूज के लायक नहीं होती है, फिर उसके बाद तीसरा होता है फिर भी उसके यूज के लायक नहीं, तो इस तरीके से वो जब तक उसके ऊपर 3 से 4 प्रोसेस ना हो जाए तब तक वो फाइनल यूटिलाइजेशन या फाइनल यूज के लिए होती नहीं है। तो ऐसे टाइम में अगर आप क्या करोगे, आप ये सारा प्रोसेस करने की बजाय आप क्या करोगे, इसके जो सब कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जो प्रोसेस है वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दोगे तो उससे क्या होगा, आपका सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उससे आपका कैपिटल जो लगने वाला है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि मैंने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है,
मैंने क्या कर लिया है, बिल्डिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। मैंने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किसी बनाने, एक स्ट्रक्चर बनाने वाले को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, स्ट्रक्चर बनाने वाले ने उसका काम कर दिया। फिर बाद में मैंने उसके बाद लादी वगैरह का काम वो कर दिया, उसके बाद में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके अंदर में जो खिड़की वगैरह या दरवाजे वगैरह लग के दरवाजे का मैंने किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो दरवाजे का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो दरवाजे का सारा काम करेगा। फिर मैंने लाइट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया। तो अब यहाँ पे जब बिल्डिंग पूरी जब तैयार होगी, तो जब उसकी दीवारें, उसके पिलर, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां, उसकी वायरिंग वगैरह हो जाए, तो जाके पूरा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बिल्डिंग का नीचे का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद उसमें खिड़कियां वगैरह लगेंगी। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चालू होगा, वैसे वैसे उसका अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, टाइल्स लगाना, ये लगाना। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में लोगों को, अलग अलग लोगों को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है छोटा कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको समझाया। उसके बाद बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर पॉसिबल है, अगर हम कोई भी न्यू एसेट परचेज करने के लिए जाए, तो न्यू एसेट्स को परचेज करने के लिए क्या होता है, हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। तो उसकी जगह पर अगर पॉसिबल है या मार्केट में कहीं ओल्ड एसेट, मतलब ओल्ड मशीनरी वगैरह अगर हमें अवेलेबल है, तो वो हमें क्या हो जाएगी, सस्ते रेट में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हमें ओल्ड मशीन ही यूज करनी है। अगर पॉसिबल है तो हम वहां पे ओल्ड मशीन भी यूज कर सकते हैं। तो ओल्ड मशीन की यूटिलाइजेशन से, ओल्ड मशीन को यूज करने से हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, उससे कम ज्यादा हो सकता है। जो हमारा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब क्या, यही है कि आपका जो कैपिटल है वो किस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट मतलब क्या, कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हमें कोई चीज है एसेट, अगर हम डायरेक्टली उसको फुल पेमेंट करके अगर ना परचेज कर सके, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे उसको हम परचेज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी एसेट को अगर एक्वायर करना है, खरीदना है या परचेज करना है, तो कंसेशनल रेट मतलब अगर वहां पे कोई गवर्नमेंट अगर हमें कोई सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो सब्सिडीज का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम एक साथ में पेमेंट नहीं कर सकते, तो इंस्टॉलमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, मशीनरीज को परचेज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, फिलहाल अभी इस वक्त हमें कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर जैसे जैसे हमारा बिजनेस चलने लगेगा, रनिंग होने लगेगा, तो हमारे ऑलरेडी काम लगेगा, हमें प्रॉफिट होने लगेगा, और जब ऑलरेडी प्रॉफिट होने लगेगा, तो हम जो आगे का जो मशीनरी का पेमेंट है, बाकी के जो बचे हुए इंस्टॉलमेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। मतलब मशीन हमारे पास आ जाएगी और हम हमारा काम चालू कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंडीशन, अब आपकी इंटरनेशनल कंडीशंस क्या है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर फैले हुए होते हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस चलाना, तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेशनल कंडीशंस को भी क्या देखना है वहां पे किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, हमारी डिमांड है हमारी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन पॉइंट है ट्रेंड इन इकोनॉमी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इकोनॉमी का ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, कि जिस बेसिस पर हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हमें कैपिटल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ट्रेंड कैसे चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ते जाने से क्या होगा, हमारी डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी। तो डिमांड बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिमांड को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिमांड को पूरा करने के लिए हमें हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो बिजनेस को एक्सपांड करना है मतलब कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस, ऐसी बात है हम मार्केट के अंदर में कंज्यूमर को किंग कह रहे हैं भाई, जो वो डिमांड करेगा, जिसकी तरफ उसका प्रेफरेंस होगा, वैसी ही चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जो उसे चाहिए वही हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उसे जो अच्छा लगेगा वही हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हम मार्केट में बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं। तो उसके लिए उसका प्रेफरेंस किधर है, उसे हमें क्या करना है, देना है, उसको देखना है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स मार्केट के अंदर में, आजकल क्या दुनिया भर के
ऑडिटर्स है मार्केट में, किसी भी एक चीज के दो अलग अलग कई सारे क्या है कॉम्पिटिटर्स। तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से हमें हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो जब हम फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट या फिक्स कैपिटल की प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते समय ये कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा टॉपिक वर्किंग कैपिटल। तो हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में अपने इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, सो थैंक यू।